समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की स्वीकृति व प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उद्यम जी के निर्देशानुसार जनपद फरकाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी डॉक्टर सुबोध यादव जी को घोषित किया जाता है। आगामी चुनाव हेतु एक संयोजन समिति की घोषणा की जाती है, जिसका संयोजक डॉक्टर जितेंद्र यादव जी को घोषित किया जाता है और उनके सहयोग हेतु श्री अरशद जमाल सिद्दीकी व देवेंद्र सिंह यादव चन्नू को सह संयोजक घोषित किया जाता है। ये संयोजन समिति व प्रत्याशी और पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मजबूती के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। डॉक्टर सुबोध यादव जी को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त रहेगा, पार्टी जिला समिति का सहयोग व कार्यकर्ताओं का सहयोग रहेगा और निश्चित ही हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में सफल। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। गुटबाजों की गुटबाजी खेल, सुबोध यादव ने रचा ऐसा खेल। गुटबाजों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुबोध यादव बने जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी। काफी समय चली नूरा कुश्ती में गुटबाज हुए फेल। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद फरुखाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी सुबोध यादव को घोषित किया है और ये खबर है हमारे संवाददाता सम्राट सिंह की। समाजवादी पार्टी में काफी दिनों से चल रही नूरा कुश्ती के बाद सपा मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फरुखाबाद का जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी सुबोध यादव को घोषित किया। आपको बताते चलें कि बीते दिनों हुए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में सपा ने भाजपा को धराशाही कर दिया और सर्वाधिक सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। जैसे ही सबसे ज्यादा सीटें आईं, वहीं अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाने की पैंतरेबाजी भी शुरू हो गई। सपा खेमे में गुटबाजियां चलने लगी। पूर्व मंत्री पुत्र सचिन यादव अपनी बहन मोनिका यादव के लिए पार्टी नेतृत्व से टिकट मांग रहे थे, जिसके लिए काफी प्रयास भी किए गए, परंतु सुबोध यादव ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी की थी। गुटबाजी व भीतरघात से कारण सबकी निगाहें सपा सुप्रीमो पर लगी थी, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को सपा मुखिया ने आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुबोध यादव को घोषित कर दिया। सुबोध यादव को प्रत्याशी घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और चहुं ओर से डॉक्टर सुबोध यादव के प्रत्याशी घोषित होने की बधाइयां आनी शुरू हो गई। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने यूपी 76 न्यूज संवाददाता को बताया कि पार्टी सुप्रीमो का निर्णय सभी के लिए सर्वमान्य है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।